अनूप सर से बात करेंगे अंदर के रंगों की। जलोटा सर एक बार फिर से स्वागत आपका। हमने कहा कि जैसे लोग कहते हैं ना कि रंग होते हैं लाल नीले पीले हरे, लेकिन मन का रंग किसी ने नहीं जाना, लेकिन जब हम आपको सुनते हैं सर तो वो मन के एक एक रंग से रूबरू हो जाते हैं। सर आज कुछ सुनाइए, कुछ बताइए, कुछ कहिए। सुनाता हूं आपको कुछ। दुश्मनी रहती नहीं है दुश्मनी होली के दिन, दूर रखिए आप अपनी बेरुखी होली के दिन। तुम गले मुझसे मिले तो दिल भी दिल से मिल गया, दो जहां की आज दौलत मिल गई होली के दिन। मुस्कुरा कर चल दिए और ये कहते गए कि आदमी रहता नहीं है आदमी होली के दिन। कैसी ये धूम मचाई मचाई ब्रज में होरी रचाई, कैसी ये धूम मचाई। ये है जी होली का रंग, होली की फुहार। क्या बात है सर, मन कर रहा है आपको सुनते ही जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अनूप सर हमारे यहाँ हमारे साहित्य में, चाहे हिंदी साहित्य हो चाहे वो संस्कृत साहित्य हो, हजारों वर्षों से जो है कभी बसंतोत्सव कभी मदनोत्सव, तो ये परंपरा जो है ये रवायत जो है होली की सालों पुरानी है। मतलब शायद जब से हम लोगों का अस्तित्व है तब से इन इन रंगों के त्योहार को मनाया जा रहा है। क्या क्या खास बात है सर, ये फागुनी बयार में ऐसी क्या बात है कि हर कोई, मैं अभी रोहिताश भाई से भी बात कर रहा था कि हर कोई बौरा जा रहा है, हर किसी को मस्ती करनी है, हर किसी को अपना चोला जो ओढ़ा हुआ है उसको फेंक देना है और वो हो जाना है जो कोई और नहीं, ये क्या है सर इसमें ऐसी बात। देखिए ये प्रेम का त्योहार है। जब आप होली की जिक्र करें, होली का शब्द लें, आप बोले चाहे जुबान से, तो राधा कृष्ण सामने आ जाते कि भाई क्या होली होती थी वहां। आज तो जो प्रेमी है उसको कृष्ण कहते हैं और राधा कहते हैं, और होली होली में जो है वो जो छेड़खानियां मोहब्बत की चलती हैं वो राधा कृष्ण की होली और बरसाने की होली को ध्यान में रख के चलती हैं। तो ये प्रेम जो है ये प्रेम का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। इसमें गले क्यों मिलते हैं? अब दिवाली में तो गले नहीं मिलते, रामनवमी में गले नहीं मिलते, गले क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे से मोहब्बत बांटने का त्योहार है, एक दूसरे को रंगीन करने का त्योहार है। इसलिए होली का बहुत बड़ा महत्व है और इसको खूब प्यार से खेलना चाहिए, कंजूसी से नहीं खेलना चाहिए। क्या बात कही सर आपने, आपने सही कहा कि फाग में जो है, फागुन में जो दिल की सारी उमंगें हैं वो जुबान पर आ जाती हैं, और इस जुबान की जो भाषा है और जो दिल की भाषा है उसको जोड़ने के लिए कभी 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 जो है गले मिलकर ही बात हो सकती है, वो बिना गले मिले एक दूसरे तक बात पहुंचती नहीं।